फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ट्यूटोरियल। तो आज हम सीखेंगे कि अकाउंट मास्टर में ओपनिंग कैसे ऐड करते हैं। वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने अपना मिरेकल ओपन कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं आप रिपोर्ट में, आपको रिपोर्ट दिख रहा होगा। रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद देखिए बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। बैलेंस शीट पे आने के बाद देखिए ट्रायल बैलेंस दिख रहा होगा आपको। ट्रायल बैलेंस में आने के बाद नीचे ओपनिंग बैलेंस पे हमें क्लिक करना है। ओपनिंग बैलेंस पे हम यहाँ क्लिक कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस पे आने के बाद देख सकते हैं आप यहाँ कुछ अकाउंट बने हुए, एम्स कंप्यूटर, अनिल कंप्यूटर, और दिखा देता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं आप, जैसे कि देखिए कंप्यूटर बना हुआ है, नरेश पटेल बना हुआ है। तो अब हम इनमें कैसे ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, तो ये मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो गाइस ये देखिए, तो हमें एम्स कंप्यूटर्स दिखाई दे रहा है। हम इस पे एंटर क्लिक करेंगे, एंटर कीबोर्ड में एंटर क्लिक करेंगे। एंटर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा हमारे सामने। तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस पूछ रहा है, समझिए ओपनिंग बैलेंस हम ऐड कर देते हैं 2000। हम एंटर करेंगे, हाँ यार डेबिट या क्रेडिट है ये खुद ऑटोमेटिकली ले लेता है सॉफ्टवेयर। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि ऑटोमेटिकली ये ले लेता है। एंटर करेंगे, एंटर करके ओके कर लेंगे। एक और में डाल देते हैं, समझिए जैसे अनिल कंप्यूटर्स। एंटर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ डाल देंगे 5000। देखिए एंटर करेंगे, एंटर ओके करेंगे। अभी मैं आपको एक कैपिटल अकाउंट का दिखाता हूँ, जैसे नरेश पटेल में दिखाता हूँ मैं आपको। एंटर करेंगे, यहाँ मैं डाल दूंगा 2 लाख। एंटर करूंगा, देखिए कैपिटल अकाउंट है तो इसने ऑटोमेटिकली क्रेडिट ले लिया है। तो हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर में इतनी अच्छी बात है। एंटर करके हम आगे आगे ओके कर लेंगे। गाइस देखा आपने कितना इजी है अकाउंट मास्टर में ओपनिंग ऐड करना।